रंगी यारा भैया बिनू दादा की यारी तेरी मेरी है अठ रंगी यारा और तुझसे मेरी दुनिया है सतरंगी यारा तो तेरे इश्क में हम अपने ही दिल से मात खा गए दिल से मात खा गए तो राजेश भाई अंशु तो चंडा वे तेरे लिए रात दिन हम तो पिए जा रहे हैं अरे चंडा वे तेरे लिए रात दिन हम तो पिए जा रहे हैं तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम लिए जा रहे हैं धन्यवाद है धन्यवाद है। अजय भैया कहाँ चले गए? ये एक से एक पत्र मुद्राएं हमारे बड़े भैया श्री अशोक त्रिवेदी जी। लेकिन दादाजी जय हो भैया क्या बात राम शंकर भैया के चन्ना वे तेरे लिए रात दिन हम तो पिए जा रहे हैं तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम लिए जा रहे हैं के आशिकी का गम हम पिए जा रहे अरे आशिकी का गम हम पिए जा रहे तेरा नाम लेकर हम पिए चोट दिल पे हम लिए जा रहे तेरा नाम लेकर हम लिए बड़े भैया श्री राजेश रावत जी आपकी ओर से 201 पत्र मुद्राएं हैं। धन्यवाद है बड़े भैया को। वाह आइए गीत की ओर चलते हैं। चलिए यमराज सत्यवान के प्राण लेके चल दिए सावित्री पीछे पीछे चल रही है। यमराज ने समझाया मेरे पीछे क्यों आ रही हैं आप? उसने कहा आप मेरे पति के प्राणों का हरण करके जा रहे हैं मैं कैसे जीऊंगी। उन्होंने कहा अब उनका तो समय आ गया उनको तो जाना ही है उनको तो ले ही जाएंगे और क्या। अच्छा अगर पीछे पीछे आ रही हो नहीं मान रही हो तो एक वरदान मांग लो। मांग लो। बोला अच्छा ठीक है वरदान दीजिए। बोले मांग लीजिए। सुनिए जग बहन जी क्या मांगा कि सास ससुर की आंखों और बहन जी इसमें कोई कुंभ राशि वासी नहीं है
बिल्कुल साधारण गीत है, सुनिएगा। बस किसा ससुर की आंखों का पहला दान लिया है, अब वरदान दे दिया, बोला एक मस्त, फिर पीछे पीछे अजय भैया, फिर बोले अच्छा एक वरदान और ले लो, तो राजपाठ का यम से दूजा वरदान लिया है, सास ससुर की आंखों का पहला दान लिया है, और राजपाठ का यम से दूजा वरदान लिया है, तब लेकिन फिर भी सती बिन अनुमति, अरे पीछे पीछे आ रही, पीछे पीछे आ रही, अभी अपराज ने कहा आप काहे आ रही हूं, बोले हे नाथ अरे आप मेरे पति को लिए जा रहे हैं, हम कैसे जिएंगे, तो बोले अच्छा एक वरदान और ले लो, और ले लो, तो बोले हमें पुत्र चाहिए। यमराज ने सोचा बिचारा नहीं, कुछ सोचा बिचारा नहीं, कहा एक वस्तु, एक वस्तु, और जब एक वस्तु कहा और यमराज ने कहा हे सती, तो हो सुतवती है सती जाओ तुम, हो सुतवती है सती जाओ तुम, वर हम दिए जा रहे, बोले जाओ सुतवती हो जाओ, हम वरदान दिए दे रहे हैं। और जैसे ही इतना कहा बहन जी, तो सावित्री यमराज के आगे खड़ी हो गई, बोले ये क्या है, ये क्या है, कहा हे नाथ आप कैसा, हे नाथ आप कैसा वर दिए जा रहे, हे नाथ आप कैसा वर दिए जा रहे, जब साथ प्राणनाथ ही लिए जा, कहा ये कैसा वर दे दिया, पति तो आप लेके जा रहे हैं, पुत्र कैसे होगा, वो अगर बिना पति के पुत्र हो गया तो ये सती कलंकित हो जाएगी, तो उन्होंने कहा क्या वरदान है अशराब, वरदान है अशराब, वरदान है अशराब दिए जा रहे, वाह ये भी वरदान से कम नहीं है, और क्या, आदरणीय दादाजी नाम सतीश सिंह जी, दादाजी आपकी ओर से 200 पद मुद्राएं आई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है सिंह साहब को, और हमारे साहू जो इतनी सुंदर व्यवस्था साउंड सर्विस की दे रहे हैं, मैं बहुत बहुत प्रसन्न रहता हूं उनसे, गा तो पहली बार आपकी साउंड सर्विस में रहा हूं, लेकिन वैसे आप भी आपकी साउंड सर्विस सराहना मैं करता हूं। तो सती ने कहा, सावित्री ने कहा कि दिया तो वरदान है लेकिन ये मेरे लिए श्राप बन गया, क्योंकि पति लेके जा रहे हो, और बिना पति के अगर पुत्र हो गया तो मैं कलंकित हो जाऊंगी, तो बहन जी सावित्री ने कहा यमराज से वरदान है अश्राप, वरदान है अश्राप, वरदान है अश्राप दिए जा, तो हे नाथ आप कैसा वर दिए जा रहे, जब साथ प्राणनाथ को लिए हमारे गुरु जी श्री, ये हमारे दोनों भाई हैं, और राम शंकर राजपूत जी बहुत सुंदर कीर्तनकार हैं हमारे क्षेत्र के हिलौली के, आप आपकी ओर से एक से एक पत्र मुद्राएं, और हमारे छोटे भैया हैं अखिलेश बैरागी जी भगवत नगर, नाम आपका मैंने सुना है, हमारे गांव के एक मित्र ने आपके बारे में बताया है, मुलाकात हो गई, मजा आ गया, आपकी ओर से 100 पत्र मुद्राए, धन्यवाद। अच्छा आदरणीय
श्री दादा सोहन बैरागी जी के शिष्य हैं, ये तो आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है। वाह क्या बात। और 101 पद्म मुद्राएं हमारे चाचा जी हैं श्री श्रीधर द्विवेदी जी, आपकी ओर से आशीर्वाद स्वरूप आई है। सुने सुनिए, अब देखिए दूसरा प्रयोग देखिएगा। राकेश जी गीत में कुछ नहीं है, कहीं वरदान दिया जा रहा है लेकिन वो श्राप बन रहा है, और ऐसे वरदान बहुत हैं जो वरदान श्राप बन गए, श्राप बन गए। लेकिन इसमें एक खास बात है बहन जी, इसको ध्यान रखिएगा, अंत में बताऊंगा। सुनिए और अच्छा राजा दशरथ के हाथों श्रवण की धोखे से हत्या हो गई, तीर लग गया, श्रवण के प्राण चले गए। और जब प्राण चले गए और जब राजा दशरथ ने सारी कहानी श्रवण से सुनी और उसने कहा मेरे पिता माता प्यासे हैं, उनको जल पिला दीजिए। जल का घड़ा लेकर के राजा दशरथ खड़े हैं श्रवण के माता पिता के सामने। मैं अनुरोध करूंगा इन पंक्तियों को सुनिएगा, सुनिए बहुत गंभीरता से लिखा है मैंने कि इन पंक्तियों को सुनिएगा कि श्रवण के माता पिता को दशरथ ने सारी सच्चाई बताई। बताई जब तो दशरथ के माता पिता ने कहा क्या? कहा क्या? क्या कि मैं सोच रहा था सरवन श्रवण के माता पिता ने कहा, बैरागी जी कहा राजा दशरथ से कि मैं सोच रहा था सरवन कितनी जल्दी जल लाए, प्यासे हैं हम दोनों, लेकिन जब मेरा सरवन ही नहीं रहा, जब मेरा पुत्र ही नहीं रहा, तो इस जल का क्या करना, अब इस जल का क्या करना जब जीवन ही जल जाए, जीवन ही जल जाए, जब जीवन ही जल जाए। और श्राप दे दिया, श्राप दे दिया, श्राप दे दिया राजा दशरथ को। क्या कहा? क्या तेरी जान भी जाए यूं ही, अरे जैसे मेरी जा रही, जैसे मेरी जा रही। और कहा कि सुत्सोकु में जाओगे जग से तुम, सुत्सोकु में जाओगे जग से तुम, जैसे कि हम जा रहे हैं। अब दिया तो श्राप राजेश भैया, राजा दशरथ को श्राप मिला, लेकिन मामला फंस गया कहां पे? राजा दशरथ को मिला श्राप कि जैसे मैं सुत के वियोग में मर रहा हूं वैसे तुम भी मरोगे। लेकिन राजा दशरथ को तब तक तो पुत्र ही नहीं थे, निसंतान थे। सुनेगा कि सुत्सोकु में जाओगे जग से तुम, जैसे कि हम जा रहे हैं। तो राजा दशरथ ने सोचा कि वरदान है अश्राप, वरदान है अश्राप, वरदान है अश्राप दिए जा रहे, दे तो ये श्राप रहे हैं लेकिन ये तो मेरे लिए वरदान बनना है क्योंकि मैं निसंतान हूं, कम से कम संतान तो हो जाएगी। वाह धन्यवाद है, धन्यवाद है। कि वरदान है अश्राप, वरदान है अश्राप, वरदान है अश्राप दिए जा रहे। और कहा उन्होंने कि ये पुत्र खोने का
ये पुत्र खोने का दुख लिए जा रहे, अपने साथ अपने पुत्र को खोने का दुख लेके जा रहे, लेकिन मेरे लिए कि ये पुत्र खोने का दुख लिए जा रहे और हमें पुत्र होने का सुख दिए। राखी जी वरदान है या श्राप, और वरदान हो या श्राप हो हर जगह पुत्र का मामला है। बात ये है, इतना ध्यान रखिएगा कि वहां भी पुत्र हो रहा है, यहाँ भी दशरथ जी को पुत्र हो रहे हैं। अब आइए तीसरा मैटर। बिल्कुल के दिया जो दुर्वासा ने, कुंती ने किया परीक्षण, दुर्वासा ने कुंती को एक ऐसा मंत्र दे दिया, बोले जब जिस देवता को चाहोगे आवाहन करोगे आ जाएंगे, वो आ जाएंगे। तो दुर्वासा जो दुर्वासा ने कुंती ने किया परीक्षण, तो महामंत्र की महिमा रवि प्रगटे वही उसी क्षण। सूर्य देव प्रकट हो गए। बोले बताओ, बोले महाराज कुछ नहीं, मैं तो परीक्षण कर रही थी। बोले तुमने परीक्षण किया तो इससे मेरा मतलब नहीं, हम तो आए हैं कुछ देके जाएंगे, और क्या? और जो देके जाएंगे वो हम सोच के आए हैं। बोले क्या? बोले हम तुमको पुत्र देके जाएंगे। कुंती ने कहा कि हे महाराज, हम कुंवारे हैं, हमको अगर आप पुत्र देंगे तो हम कलंकित हो जाएंगे। बोले इससे मतलब नहीं है, बस इतना जरूर है कि तुम्हारा कौमार्य भंग नहीं होगा, तुमको ऐसे सजीव गोदी में पुत्र देंगे। अब देखिए कुंती सोच रही है, सुनिए। के दिया जो दुर्वासा ने कुंती ने किया परीक्षण, हो महामंत्र की महिमा रवि प्रगटे वही उसी क्षण। तो प्रभु भास्कर को देख कर है मन में घबरा रही, है मन में घबरा रही। तो सुतकर्ण कुंडल कवच के सहित, सुतकर्ण कुंडल कवच के सहित कुंती को दिए जा रहे, कुंती को दिए जा रहे। केवल सुते नहीं दिए जा रहे, कर्ण कुंडल सहित, अरे सुतकर्ण कुंडल कवच के सहित कुंती को दिए जा रहे। तब कुंती सोच रही है कि ये तो कह रहे हमें वरदान दे रहे, ये तो हमारे लिए श्राप है, मैं कुंवारी हूँ, क्या बताऊंगी समाज को ये पुत्र कहाँ से आया। तो उसने कहा, हे नाथ खुद पिता का, हे नाथ खुद पिता का यश लिए जा रहे। कल से यही कहा जाएगा कि ये सूर्य का पुत्र है, लेकिन हे नाथ खुद पिता का यश लिए जा रहे और मुझे कुंवारे में अप यश दिए जा रहे। कुंती सोच रही है कि वरदान है अश्राप, वरदान है अश्राप, वरदान है अश्राप दिए जा। तो हे नाथ खुद पिता का यश लिए जा रहे, मुझे कुंवारे में अपो यश दिए। वरदान
नाथ आप कैसा वर दिए जा रहे हो, जब साथ प्रार्थना भी लिए जा काम भी था इसमें बिल्कुल। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आइए। और फिर भी बता रहे कि फिर एक नया गीत गा रहा हूं, लगता तैयारी भरपेट की गई है। भयंकर सरकारी लोग कराए हैं। और संकट मोचन के लिए मैंने टोका था तो कह रहे बहन जी संकट मोचन के कितने उदाहरण आपको बता दें। उनका नाम तो बचपन में ही संकट मोचन पड़ गया था, अब पढ़ भी रहे हैं कि बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो, ताहि सुत्रास भयो जग को, यह संकट काहू सु जात न टारो, तो देवन आन करी विनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, तो को नहीं जानत है जग में कपी संकट मोचन नाम तिहारो। एक मिनट, अच्छा ये सब बातें उस समय लिखी गई थी, ये कह कौन रहा है बताओ, ये किसने कहा बताइए अनुज, किसने कहा? को नहीं जानत है जग में कपी संकट मोचन नाम तिहारो, ये कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? हैं? ये तो कलयुग के लोग कह रहे हैं। उस समय उनका नाम संकट मोचन नहीं था, मानो चाहे ना मानो था नहीं, मानो चाहे ना मानो। अब आप जबरदस्ती करके उनका नाम कह रहे, तमाम ऐसे उदाहरण बता दूं, बाली को मार दिया, राम से सुग्रीव की मित्रता करा दी, अच्छा उनका संकट हर लिया, ये कौन सा संकट हरना हुआ? राम जी से मित्रता करा दी सुग्रीव की, मुद्दे पे आइए, ये कौन सा संकट हरना हो गया, कौन सा संकट था बताइए? सुग्रीव की बीबी वापस मिल गई। क्या मतलब है भाई? हालांकि आप अच्छे कलाकार हैं, और बस एक बात मुझे ध्यान में है, क्या जो इस कार्यक्रम को बुक करते समय हमारे दादा दीक्षित जी ने कही थी, क्या बस वही है, बस क्या है क्या नहीं है वो आप शांत रहो बस। बिल्कुल आप गा रहे हैं, अच्छा गा रहे हैं, बहुत बढ़िया गा रहे हैं, और बस गाइए, बस गाइए। एक गीत दिया आपने, कहने लगे क्या, क्या कहने लगे? तेरी आशिकी का गम, हम जिए जा रहे, आज देगा
हरिओम भैया, भैया आप गाते बहुत अच्छा है, लेकिन आप तो म्यूजिक डायरेक्टरों से भी आगे निकल गए। ये तो है, आप तो फिल्मी धुन जो बोल रहा है उसकी आप तो धुन ही चेंज कर देते हो बिल्कुल। होना भी चाहिए, जब बाद में समझ आता अच्छा यू गाना। जब आपने मुखड़ा गाया, क्या खूबसूरत है आंखें तेरी, दुनिया में तुमसे बढ़कर ना पाया कोई और, जब ये लाइन आपने गाई तब हम लोग समझे अच्छा ये गाना है। आपने तो उसकी धुन ही बदल दी बिल्कुल। खैर सुने, और तीन जगह आपने बता दिया कि वरदान तो दे रहे हैं लेकिन वो श्राप के समान लग रहा है। श्राप मिल रहा है, वरदान लग रहा है, और तीनों जगह पुत्र की ही बात चल रही है। अब आप पुत्र की बात कर रहे हैं, देखिए मैं देखिए क्या बात कर रही हूं, सुने आप। जैसे आपने कहा, अरे सास ससुर की आंखों का पहला दान लिया, श्राप या वरदान दिए जा रहे हैं। अब सुनो, देखिए मैं क्या कह रही हूं। भगवान श्री राम और रावण का युद्ध चला, अंत में भगवान श्री राम के हाथों रावण मारा गया, और जब रावण मारा गया तो जब ये खबर मंदोदरी के पास पहुंची, मंदोदरी विचार करने लगी कि लोग मेरे पति के बारे में कैसे कैसी बात करते थे कि चलत दशानन डोलत अवनी, मेरे पति की गर्जना से गर्भ गिर जाया करते थे, चलने से धरती डोल जाया करती थी। लेकिन आज सुनाई दे रहा कि राम ने उनका वध कर दिया, तो मंदोदरी के अंदर एक लालसा पैदा हो गई कि जिन पराक्रमी राम ने मेरे पराक्रमी पति का वध कर दिया है, मैं एक बार उनके दर्शन जरूर करना चाहूंगी। ये सोच करके मंदोदरी चल पड़ी, और जैसे ही राम जी के सामने आई, उस समय राम जी कुछ काम में व्यस्त थे, जैसे ही मंदोदरी ने राम जी को प्रणाम किया तो राम जी ने कहा जाओ अखंड सौभाग्यवती रहो। अब मंदोदरी से कह दिया जाओ अखंड सौभाग्यवती रहो, तो मंदोदरी बोली अरे राम जी, अरे आप ये मुझे आशीर्वाद दे रहे हो या मेरा मजाक उड़ा रहे हो, आपका ये वरदान है या मेरे लिए अभिशाप है, एक तो आपने ही मेरे पति को मार दिया और फिर मुझे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद भी दे रहे हो। तो पंक्ति कह रही है सुनिएगा, मंदोदरी ने देखो वाह।
आकर के राम जी से प्रणाम किया, श्री राम के हाथ जोड़े, अरे तब प्रणाम किया है। और जब प्रणाम किया तो कहा जाओ अखंड सौभाग्यवती रहो सदा, कहने लगे जाओ अखंड सौभाग्यवती रहो। और जब ऐसा वरदान दिया तो मंदोदरी बोली, ये सुहागन का वर, हे प्रभु सुहागन का वर दिए जा रहे हो। अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दिया। तो ये दोनों बातें संभव कैसे हैं? सुहागन का वर ये दिए जा रहे हो, जब जबकि सुहाग ही उजाड़ तुम किए जा रहे हो। और वही बात कह रही है कि वरदान है ये श्राप। आप कह रहे वरदान या श्राप, मैं कह रही हूं कि वरदान है ये श्राप। तो वरदान है ये श्राप, वरदान है ये श्राप, वरदान है ये श्राप ये दिए जा रहे हो। ये सुहागन का वर तुम दिए जा रहे हो, और सुहाग ही उजार तुम दिए जा रहे हो। सुहागन का वर दिए जा रहे हो, और सुहाग ही तुम दिए जा रहे हो। एक प्रसंग में आपको कलयुग का बता रही हूँ। क्या बात, क्या बात, नोट करिए बाबा जी। साधु संतों का तब वरदान दिया है। किसको? एक साधु महाराज आए और भिक्षा मांगने लगे। एक महिला, एक ब्राह्मणी निकल के आई और उनको नहीं पता था कि ये ब्राह्मणी विधवा है। ये ब्राह्मणी विधवा है और उसके कोई संतान भी नहीं है, पति भी मर गया है। लेकिन साधु महाराज को भिक्षा जैसे ही दी उसने, तो उन्होंने उनको वरदान दे दिया कि जाओ तुम्हारे पुत्रवती हो जाओ, अखंड सौभाग्यवती रहो। और जब वो भी अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे रहे हैं तो देखिए वो ब्राह्मणी भी कह रही है, कहने लगी अरे हो पुत्रवती, हो पुत्रवती, हे ब्राह्मणी वर दिए जा रहे हैं। पुत्रवती का वरदान भी दे दिया। कहने लगी जब सुहाग ही नहीं, जब मेरे पति ही नहीं है तो बच्चों का सवाल ही पैदा नहीं होता है। क्या बात, जब सुहाग ही नहीं पर वर दिए जा रहे हो। और वो भी यही बात कह रही है कि वरदान है ये श्राप, वरदान है ये श्राप, वरदान है ये श्राप जो दिए जा रहे हो। जब सुहाग ही नहीं वर दिए जा रहे हो, तो सुहाग ही उजार तुम किए जा रहे हो। सुहाग ही उजा तुम किए जा रहे हो। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो।